शादी पे आए हैं किसी की, पूरा हॉल खाली है, सिर्फ हम लोग हैं। वाह रेहान भाई, कमाल हो गया। मैं तो कहता हूँ लेवल हो गया। रेहान मेरी बना ले, मेरी बना दे ये ले। जैसा कि नाज़रीन आप देख सकते हैं, कोरोना वायरस की सूरत हाल में, कोरोना वायरस के होते हुए हम लोग किसी की शादी में मौजूद है, और ये शादी हमारी कराई जा, हमारी नहीं मतलब किसी की कराई जा रही है पार्किंग में, तो हम पार्किंग में मौजूद है। रेहान कह रहा है क्या कर ले, तो हम अंकल के साथ सफाई करा देते हैं, कुछ कर तो सकते नहीं है, कोई भी नहीं है हॉल में। हम लोग कुछ कर नहीं सकते, ये देख रहे हैं आपने, मैंने मतलब कि वेस्ट कोट वगैरह कोट वगैरह पहना है, मतलब यू नो कि बहुत ऐसे जेंटलमैन बन के आए हैं, तो कोई है नहीं हॉल में, तो मैंने सोचा अब हम दोनों वेले बैठे हैं, क्या करें, सिनेमैटिक लेते हैं दो चार, ठीक है, देन सिनेमैटिक दो चार क्या होते हैं, सिनेमैटिक 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 होते हैं, तो सिनेमैटिक सीक्वेंस आपको थोड़ा सा दिखाते हैं, क्योंकि इस हॉल की लोकेशन बहुत प्यारी है। तो नाज़रीन देख सकते हैं आप लोग, गर्मी की शिद्दत बहुत ज़्यादा है बाहर, और हम लोग मतलब गर्मी से बचने के लिए इधर जेंट्स वॉशरूम में आ गए, मतलब यहाँ पर फिर थोड़ी सी ठंडक है, बाहर तो ऐसी तपिश है जैसे पता नहीं गर्मियाँ आ गई, बहुत ज़्यादा सी गर्मियाँ आ गई हैं। चिलिंग ब्रो, बाहर कोई भी नहीं है, ठीक है, तो हम लोग अंदर आ गए अभी, सो मिलते हैं आप लोग घर पर, या अभी रिहान खाना खाएगा ना, मैं खाना खाऊँगा ये ना, रिहान खाना खाएगा, सो लेट्स गो। रोटी खोल ले शफीक अहमद, रोटी खोल गई है, आ जाओ। नाज़रीन खाना खाने से पहले ना आप अपना मतलब यू ना ये जो फालतू जो आपने वो चीज़ें पहनी होती है ना स्वैग के लिए, वो उतार दें, ताकि आपका दूर असर रहता सलाद वगैरह पे ना, हाथ सही पड़े, ठीक है अंकल। शफीक अहमद पीछे रखें, ठीक है, एंड देन स्टार्ट करें, तो खाते हुए नहीं दिखाते होते, आवाम को देखें कैसे कुल्फे के पीछे, ये देखें, ये देखें पड़े आगे, ये देखें कितना इन्होंने खाली किया सब कुछ। Now I got your chemistry in my bones, we're all alone. Your presence is a force that I can't deny, let's give us a try. हाँ तो भाई, शादी से तो मैं दो चार दिन पहले ही वापस आ गया, मतलब चार दिन नहीं दो दिन पहले ही वापस आ गया। तो शादी से वापस आने के बाद मैंने जो सोचा था, मैंने जो इरादा किया था, वो ये किया था कि भाई एक बी रोल शूट करना है, जो पोकर बी रोल होगा, जिसमें वो कैसीनो और यू नो ताश के पत्ते और समझ जाओ, वो शूट करने का मेरा इरादा था। कितनी है यार, सुबह का वक्त लाइट होती है लेकिन शोर बहुत होता है, और रात का वक्त शोर नहीं होता, वह लाइट नहीं होती है, और तब किधर जाए, फजर के वक्त शूट करेंगे। तो खैर तो मैंने जो सोचा था कि मैं आगे पोकर भी यार चाचा क्यों हो यार। हाँ तो भाई शुक्र है मैं ऊपर आ गया हूँ, ऊपर मेरे ख्याल से थोड़ा सुकून होगा, अगर शोर होगा भी ना तो आप लोग इतना फील नहीं होगा, वो इसलिए क्योंकि ना यहाँ पर सब मैच कर जाएगा, मतलब सराउंडिंग में पता है कि भाई इधर से ये गुजर रहा है, छत पे खड़ा हुआ है, थोड़ा सा खुलने में तो शोर तो आएगा ना, जैसी बात है। शादी से आने के बाद ये वाला जो क्लिप मैं शूट कर रहा हूँ अभी, इसको शूट करने की वजह ये है कि हमारे चैनल पर, मतलब मेरे चैनल पर, हमारे यार आपका भी ये चैनल है, चैनल आपके ही है, हमारे चैनल पर मतलब काफ़ी नए लोग आए हैं, तो उन लोगों को मैं कहना चाहूँगा, नमस्कार नमस्कार नमस्कार, बहुत बहुत नमस्कार आप सबको, देवी और सज्जनों, मैं नकली अमिताभ बच्चन आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। तो मैं भी आप लोगों ने ये छोटा सा क्लिप इन्जॉय किया होगा, मतलब कुछ फनी करने की कोशिश की थी, मे बी ये ना हुआ फनी ज्यादा, तो आज का दिन ज्यादा क्रिएटिव और प्रोडक्टिव नहीं है, बिकॉज आज कुछ करने को है नहीं। आज से दो दिन बाद मैंने शूट करना है पोकर बी रोल, पोकर बी रोल का सेटअप करने के लिए मुझे कुछ चीज़ों की जरूरत है, वो चीज़ें मैं अभी जरा जमा कर रहा हूँ, ताकि ना एक अच्छा छोटा सेटअप बना ले, बिल्कुल एग्जैक्ट वो चीज़ नहीं बनेगी मेरे से, लेकिन जो भी मैं कोशिश कर रहा हूँ, जो भी हो सके मैं करूँ, तो आप लोगों को मिलते हैं आज से दो दिन बाद उस सेटअप के साथ उस जगह पे। सो अच्छा शूट का दिन, और शूट का दिन स्टार्ट हो रहा है हमारा तकरीबन 1:20 पे, और मतलब देख रहे हो कितना लेट उठा हूँ मैं, तो आज का दिन स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले मैं नाश्ता करूँगा, एंड देन उसके बाद आप लोगों को मिलता हूँ शूट करते वक्त। अच्छा जो मैंने इरादा किया था वो ये किया था कि भाई पोकर बी रोल शूट करेंगे, पोकर बी रोल एक ऐसा बी रोल था जिसमें ना मतलब कि एक अलग टाइप थी, एक चीज़ ही अलग थी वो, और जो अब हम लोग शूट करने लगे प्रोडक्ट वीडियोग्राफी प्रोडक्ट एड शूट करने लगे वो एक अलग चीज़ है, तो मिलते हैं आप लोगों को शूट पे, उससे पहले मैं नाश्ता वगैरह कर लूँ एंड थोड़ा सा फ्रेश हो लूँ, इस तरह तो बात करूँगा बड़ा अजीब लगूँगा।
खैर अभी भी लग रहा होगा अजीब, तो मिलते हैं आप लोगों को शूट पे। सो लेट्स गो। सो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि हम लोग मिलेंगे प्रोडक्ट शूट करते हुए मिलेंगे, और ख़ास ये जो सेटअप करने में मुझे अभी इतना टाइम लग गया, तो फिर फाइनली अभी सेटअप कर लिया, तो आप लोगों को सेटअप दिखाते हैं। सो सेटअप दिखा दो भाई, ये रहा सेटअप। सो अभी हम लोग प्रोडक्ट शूट करेंगे। अब मुझे एक मसला आ रहा है इसको शूट करने में, क्योंकि मोबाइल से शूट करना है, मोबाइल से शूट करने में एक मसला होता है जब भी आप स्लोमो पे जाते हैं ना, बिकॉज ये जितना भी बनेगा ना ये स्लोमो में बनेगा, क्यों नॉर्मल अगर वीडियो में बनाऊंगा ना वो इतना अच्छा नहीं, समझ रहे हो ना, वो मज़ा नहीं आएगा। एक 120 FPS एक नॉर्मल में बहुत फ़र्क होता है, तो 120 FPS का ज़्यादा ज़्यादा मज़ा है, लेकिन 120 FPS में मुझे थोड़ा सा वो ना लाइट शेक कर रही होती है, तो वो थोड़ा तंग करती है, लेकिन कोशिश करेंगे, मैं आपकी अच्छी ट्राई करूँगा। सबसे पहले हम लोग लेंगे 2-4 नॉर्मल शॉट, देन उसके बाद थोड़ा सा क्रिएटिव, मतलब प्रोडक्ट क्रिएटिविटी में घुसेंगे ना थोड़ा अंदर करके। इतने तरीके से जो मतलब शूट कर रहे हैं ना रेहान भाई हमारे, तो थोड़ा सा व्लॉग में हमें साथ दे रहे थे, ठीक है। सो अभी शूट कर लें ज़रा, तो बिहाइंड द सीन देखते रहेंगे, आप लोग दिखाते रहेंगे। सो बिहाइंड द सीन देखें, सबसे पहला हमारा जो होगा शॉट वो शार वाला ही होगा, देन उसके बाद रोटेट करने का सोचा है। मुझे ये नहीं समझ बात आ रही कि मैं इसको रोटेट किस तरह करूँगा, मेन चीज़ ही वो है, तो देखते हैं। अभी आपके साथ ही हैं, आप भी हमारे साथ ही हैं। अच्छा, शूट करते हुए एक चीज़ ध्यान में रखना, कैप ओपनर वाला कोई भी शॉट हो तो उसको कोशिश करना कि धागे के साथ करें, और इसको पहले से थोड़ा सा खोल लें, बिकॉज अगर आप डायरेक्ट ये कोशिश करेंगे कि भाई सीधा हम खींच के खोल लें तो ऐसा नहीं है, बहुत ज़्यादा फंसेगा शॉट और काम भी नहीं होगा आपका। मतलब प्रो टिप है, करना चाहें तो कर लें, ज़रूरी नहीं है। रेहान एक और आइडिया मिल गया, चेक करो आइडिया कैसे मिला, ऐसे मिलते हैं आइडिया। तो यार सबसे पहले वो वाले शॉट ले लेने चाहिए जो इस तरह के शॉट हैं जो कैन को खाली करते हो, वो ले लो पहले, ताकि आपका काम इजी हो जाए आगे वाला। सो ज़रूरी नहीं है कि आप पहले वो शॉट शूट करो देन उसके बाद दूसरा कैन यूज़ करो, तो समझ जाओ। तो सबसे पहला शॉट हम लोग ले रहे हैं अभी, क्योंकि ऊपर बर्फ आ जाएगी, बर्फ का दिखाना हमने, क्या शीशा नहीं दिखाना हमने उस्मान, बगैर फोकस के रखना माल खुद ही कर लेगा, ये 2-3 बर्फ रखेंगे ना माल खुद ही कर लेगा। नहीं करता भाई, मुझे नहीं पता, दो तीन बर्फ अगर ये भी सही नहीं होगा तो दोबारा इसको ट्राई करेंगे, ट्राई करते रहे, जितने ज्यादा शॉट होंगे उतना ज्यादा इजी होगा। अब देखते हैं ये इसकी बात सही है, ऊपर से डालना इतना करीब से, 2-3 पहले डाल दिया ना, करने फोकस करें। रेहान का निशाना बहुत गंदा है भाई, मान लो ये बात, देखते हैं रेहान क्या सही कह रहा था, ये चेक कर भाई। 2-1 स्टार्ट। ये कितनी मजेदार है। तो हमारा जो मेन शॉट था, मतलब कि जो हम लोगों ने लेना था आइस क्यूब का, ये जितना हमें इजी लगता है इतना इजी है नहीं, कभी प्रोडक्ट शूट करके देखना, मज़ा आएगा आप लोगों को, एक एक्सपीरियंस हो जाएगा, और उसके साथ साथ मतलब कोई एक्टिविटी प्रोडक्टिविटी का क्रिएटिविटी आ जाएगी हमारे अंदर से बाहर निकल के। तो अभी हम लोग आप लोगों को मिलते हैं, नेक्स्ट शॉट करते हुए मिलते हैं। मेन जो चीज़ हम लोगों ने बोतल को अभी हम लोगों ने इसमें डालना है, आप लोगों को यही नज़र आ रहा है ग्लास में जा रही है, बट वो बोतल पहले इसमें जाएगी, देन उसके बाद ही कोल्ड ड्रिंक आप लोगों को ग्लास में जाते हुए नजर आएगी, पर उसके लिए हमें बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, तो वही मेहनत करने लगे हैं। अब हमें चाहिए थी कोई ऐसी चीज़ जिससे ऐसा है कि बोतल हम लोग डाल भी रहे हैं और हाथ भी ना आए, लेकिन अब हम ज़रा ट्राई कर रहे हैं, दुआ करो सही हो जाए। बोतल रिस्टोर करना मेरे हाथ में, हमारा तकरीबन कह लो ये लास्ट शॉट है, तकरीबन लास्ट शॉट है, और अगर ये मतलब ईजीली हो गया ना तो मैं कहता हूँ आपको अजवा की बाइक। टू टफ ब्रो। सबसे मुश्किल शॉट जो हमें लगा था वो ये था कि जो सबसे मुश्किल हमें लगा है जो वो ये था कि भाई जो कोल्ड ड्रिंक को हम लोगों ने गिलास के अंदर एंड देन कोल्ड ड्रिंक को हम लोगों ने उस बाउल के अंदर डालना था, सबसे मुश्किल शॉट ये था, क्योंकि उसमें हम लोग को अपना हाथ भी बचाना था, मतलब हाथ भी नहीं लेके आना था शॉट के अंदर, कोल्ड ड्रिंक भी डालनी थी, और हमारे पास ऐसा इक्विपमेंट भी कुछ भी नहीं है, और मोबाइल से शूट कर रहे हैं तो
में भी अच्छा ही बनेगा, मैं उम्मीद यही करता हूँ अच्छा बनेगा। एंड लास्ट शॉट हमारा रह गया, लास्ट शॉट है उसमें रेहान ने कैन को सीधा रखना है, तो वो मे भी अच्छा शॉट है, तो हम लोग लास्ट शॉट लेते हैं एंड देन उसके बाद आप लोगों को दिखाएंगे फाइनल एडिट्स। वीडियो फाइनली कंप्लीट हो चुकी है और अभी आप लोगों को दिखाते हैं फाइनल प्रोडक्ट, सो जाओ और देखो। थैंक यू, थैंक यू।